अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज ये मेरे पास एक मीटर है, ठीक है, जो कि आम सा है। तो आज हम इसकी एलसीडी जो है इसको रंगीन बनाएंगे। अक्सर जो डिजिटल मीटर आते हैं जिसकी प्राइस 1500 रुपये होती है, उसके अंदर एलईडी भी लगी होती है ताकि रात को बंदा आसानी से इस पर काम कर सके। तो आज हम इस मीटर को उसकी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं कि ये जो छोटे मोबाइल होते हैं हम, जिसमें एलसीडी लगी हुई होती है, तो आज हम उसी एलसीडी की मदद से, इसी एलसीडी की मदद से इसको आज हम डिजिटल की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एलसीडी है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे करना, ठीक है। आप लोगों ने इसके बीच जो लगी होती है एलईडी, ठीक है, यहाँ पर एलईडी लगी, इसमें तो नहीं लगी, निकली हुई है। ये आपको किसी भी मोबाइल शॉप पर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लगी तो इसमें नहीं लगी हुई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से करना, ठीक है। तो आप लोगों ने एलसीडी वो लेनी है, उसको काटने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से बत्तियाँ लगी हुई होंगी, ठीक है। और आप लोगों को अब मैं काटने का तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से कैंची जो आपके पास बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिसकी धार बहुत अच्छी हो, आप लोगों ने उसकी मदद से ना इसको आदल में काट लेना है, ठीक है। इतना काटना है जहाँ तक बत्तियों के नज़दीक पहुँच जाए, बत्तियों की जो चिप होती है उसके नज़दीक। और फिर से आप लोगों ने इस साइड से काट लेना है, ठीक है। जब इस साइड से काट लोगे तो ये हमारा एक साइड बच जाएगी, ठीक है, जो हमने छोटी काटी थी, अब इस तरह से कुछ बन जाएगी। अब आप लोगों ने ये साइड इसको रहने ही देना है, या मूव कर दें तो कोई मसला नहीं। इस तरह से एक ही साइड पे दो आ जाएंगे तो उससे लाइट अच्छी बन जाएगी, ठीक है आपकी। तो इस तरह से कर लेना, मैंने इसकी पहले से भी बनाई है, ठीक है, मैं वो उठा लेता हूँ। और हाँ, एक बात बताता चलूँ आप लोगों को, इस जो ये मीटर है इसके पीछे लगी होती है एक चिप, आप लोगों ने वो लाजमी से उतार लेनी है, ठीक है, नहीं तो आपकी लाइट नहीं जाएगी। तो ये मैंने इसको दो तारें भी लगाई हुई हैं, इसकी जो दो तारें निकाल रही होती हैं एलसीडी से, वो दो तारें हमारी जो है बत्तियों की होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने फिर भी चेक कर लेना है। अब आप लोगों ने कुछ इस तरह से इसको रख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ इसको सेफ रखने के लिए टेप लगाई थी, और हाँ ये हिले बिना अगर इसके बीच में आपका हाथ लग गया तो ये मसला कर सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से काम करना है। अब मैं इनकी टेप उतार लेता हूँ, ठीक है, और इसको आप फिट करते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए अब हमने यहाँ पर ग्लू इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप लोगों को ग्लू का पता होगा, ये मेरे पास एक ग्लू गन है, ठीक है, मैं इससे बना के इसके ऊपर ग्लू कर दूंगा, तो ये पेपर हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने दो साइड पे लगा लेने के लिए, ठीक है। ये देख लें कुछ इस तरह से। और इसके बाद आएगी बारी हमारे टांकों की, ठीक है, जो इसके जो तो पॉइंट हैं ये कहाँ पर लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे सेल में, बैटरी में, तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। जब हम मीटर को ऑन करें तभी हमारी जो है बत्ती वो जले, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को तरीका समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर इन दो तारों को पहले काट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर।
तो अब मैं इनको शोल्डर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आ जाती है एक आप लोगों ने, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले पॉइंट दिखा देता हूँ। ये जो आप लोगों को एक मीटर वाली तार नज़र आ रही है जो अलार्म लगा होता है उसके पॉइंट में लगा देंगे, ठीक है इसमें। और दूसरी जो है ये यहाँ पर एक लाइन जा रही है साइड से छोटी सी, उसमें आप एक तार लगा लेनी है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने इसमें प्लस माइनस देख लेना है, ठीक है, इनका प्लस माइनस होता है। आप लोगों ने ध्यान से टाके लगाने हैं। तो अब ये लग गया, हम अब इसको चला के देखते हैं। ये देखिए मीटर चल रहा है लेकिन इसकी जो है बत्तियां नहीं जल रही, तो इसका मतलब है हमारा प्लस माइनस उलट हो गया है। तो अब देखते हैं, ठीक है। ये देखिए अब सही काम कर रहा है। अभी हमारी थोड़ी सी बैटरी मुक्की हुई है, ठीक है, थोड़ी सी ख़त्म थी मीटर की, तो इसीलिए ये नहीं चल रहा। तो मैं इसमें थोड़ी सी बैटरी चार्ज कर लेता हूँ इसकी। ये चार्ज होती नहीं है लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ, हो जाती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बैटरी चार्ज कर ली। अभी इसका लुक आप लोग देखो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो अब आप इस पर रात में बैठ कर काम कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से नज़ारा आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्क्रू भी लगा लेता हूँ। तो मैंने अब यहाँ स्क्रू लगा दिया, अब आप लोग देख सकते हो इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना।